स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में, और मैं हूं रवि रंजन। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डिस्प्ले फ्रीजर के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं चिलर के बारे में। 2023 के अंदर जो है जो बेस्ट चिलर मार्केट में अवेलेबल है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डिस्प्ले फ्रीजर जो है वो बेस्ट है, किस साइज में आपको जाना चाहिए। डिस्प्ले फ्रीजर का काम है कि आपके प्रोडक्ट को अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करें। जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले फ्रीजर के अंदर डालते हैं, अच्छी विजिबिलिटी कस्टमर को मिले। डिस्प्ले फ्रीजर का मेन पर्पस ये होता है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको एक मिनिमम टेम्परेचर में रखना होता है और वो ठंडा रहे, ऐसी जगह पे हम उसे रखें जिससे कि कस्टमर दूर से ही उसे देख सके और इमीडिएट उसे परचेज कर सके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में चॉकलेट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में फ्रोजन आइटम्स होते हैं जिसे हमें डिस्प्ले फ्रीजर में रखना पड़ता है। स्पेशली जब ग्रोसरी स्टोर या जनरल मार्ट की बात करते हैं या मिनी मार्ट की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं खाने पीने वाले जिसे चिल करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसे ठंडा करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम उसे ऐसे जगह रख दें ठंडा होने के लिए जहां पर कस्टमर की विजिबिलिटी ना हो, कस्टमर देख ही ना सके, तो उस प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसा डिस्प्ले फ्रीजर चाहिए होता है उसमें सारे प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले हो सके। तो इसीलिए स्पेशली जनरल स्टोर और मिनी मार्ट या ग्रोसरी स्टोर में इस टाइप के डिस्प्ले फ्रीजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, बट ये काफ़ी अच्छा ठंडा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठंडा रहते हैं, स्पेशली गर्मियों के सीजन में। उसमें उस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा रहते हैं जो कि बहुत क्विकली कंज्यूम करने वाले होते हैं और कस्टमर को इमीडिएटली आपसे परचेज करके उसे कंज्यूम करना होता है। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर 500 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आपके पास एक डबल डोर डिस्प्ले फ्रीजर है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका ग्रोसरी स्टोर बड़ा है या मिनी मार्ट बड़ा है, उसमें आपकी इन्वेंट्री अधिक है, तो आपको 3 या 4 डिस्प्ले फ्रीजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डिपेंड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर छोटे डिस्प्ले फ्रीजर के साथ आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट उतना ही कंज्यूम होती है जितना एक फुल साइज के डिस्प्ले फ्रीजर में कंज्यूम होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक मीडियम साइज के डिस्प्ले फ्रीजर में जाइए अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपको फुल फ्लेज जाना है तो आप डबल डोर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ चलेगा। तो बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं सिस्टम पे, और वहाँ पे मैं आपको टॉप 5 डिस्प्ले फ्रीजर्स बताऊंगा जो कि ट्रेंडिंग है अभी मार्केट में और 2023 के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड और प्राइस दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो अभी काफ़ी बेस्ट टाइम है, आप अपने बिजनेस के लिए कम दाम में एक अच्छा डिस्प्ले फ्रीजर ले सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे है ब्लू स्टार का VC325 वर्टिकल VC कूलर। इस कूलर को इंडिया के हार्श कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया हुआ है, जो वेदर कंडीशंस है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपको काफी लंबे टाइम तक जो है वो कूलिंग इसमें देखने को मिलता है, और साथ में जो इसकी कूलिंग एफिशिएंसी है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। साथ में ही आपको यूवी प्रोटेक्टेड सीट देखने को मिल जाएगा। यूवी प्रोटेक्टेड सीट की वजह से जो है आपकी जो मेंटेनेंस है वो काफी कम हो जाती है और इसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर इसकी कूलिंग की बात करें तो इसमें आपको यूनिफॉर्म कूलिंग देखने को मिलती है और एक राइट टेम्परेचर जो है पूरे के पूरे कूलर के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता हुआ आपको दिखेगा। साथ में ही आपको एडजस्टेबल सेल्फ भी इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सेल्फ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको क्लियर ग्लास देखने को मिलेगा जो कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को काफी ज्यादा एनहेंस कर देती है, और ये टफंड रिफ्लेक्टिव ग्लास है
तो इस ग्लास से जो विजिबिलिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है और आपका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा दिखता है दूर से। साथ में ही आपको इसमें बैकलेट कैनोपी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी खुद की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ब्रांड को प्रमोट करना है आपको अपने स्टोर पे, तो उसकी भी ब्रांडिंग आप इस बैकलेट कैनोपी के ऊपर कर सकते हैं। साथ में ही आपको सेल्फ क्लोजिंग डोर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, विथ लॉक देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इस वीसी कूलर को अपने स्टोर के बाहर भी प्रॉपर तरीके से लॉक करके रख सकते हैं और साथ में आपका जो प्रोडक्ट है वो भी सिक्योर रहेगा। ये एक इको फ्रेंडली वीसी कूलर है, कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। इस वीसी कूलर के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कूलिंग टाइप जो है स्टैटिक्स है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम जो है वो 300 लीटर्स की है, डिफ्रोस्ट टाइप जो है वो मैनुअल डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा। इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो 230 वॉट का पावर कंजम्पशन है। अगर इसके मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो 40,500 के आसपास ये मार्केट में अभी अवेलेबल है। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके इसका करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वीसी कूलर में से एक है। काफी सारे लोग इस ब्रांड के वीसी कूलर को यूज कर रहे हैं और काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, और ये एक लॉन्ग रन में काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और आप इसे अपने जनरल स्टोर या मिनी मार्ट, या फिर अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है उसके लिए अगर लेना चाहते हैं, या फिर रेस्टोरेंट है तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने किचन में। हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे है वेस्टर्न का SRC 500 GL वर्टिकल वीसी कूलर। इसमें आपको अंदर की तरफ जो है एक LED लाइट देखने को मिलेगा, यानी कि LED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से जो है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी काफी ज्यादा इन्हेंस हो जाती है। डे हो या नाइट हो, काफी दूर से आपके प्रोडक्ट क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से शोकेस होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और इस वीसी कूलर का USB पॉइंट है। सेकेंड में इसमें आपको व्हील देखने को मिल जाएगा इसके लेग में, जिसकी मदद से आप इसे बड़े आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। साथ में ही आपको एडजस्टेबल सेल्फ भी इसमें देखने को मिलेगा, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्फ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी बोतल लगानी है, छोटी बोतल लगानी है, छोटे आइटम्स हैं, सेल्फ का डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा करना है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन बिल्ड आपको इसमें डोर भी देखने को मिलता है, साथ में बोतल ओपनर भी इसमें मिल जाता है, चेंजेबल गैस्किट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसी वीसी कूलर में सिर्फ अवेलेबल है। कस्टमाइज ब्रांडिंग आप इस वीसी कूलर में करवा सकते हैं चारों साइड से, जिस भी टाइप की ब्रांडिंग आपको करानी है आप उसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो जितना ज्यादा डिस्प्ले बड़ा होता है, वाइडर होता है, उतना ज्यादा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपको दिखती है। नंबर ऑफ सेल्फ जो है इसमें 6 है, और इसकी ग्रॉस वॉल्यूम जो है वो 453 लीटर की ग्रॉस वॉल्यूम आपको इसमें मिल जाती है। इसमें आपको काफी हाई एम्बियंस देखने को मिलता है, बट उस वहीं पर लो एनर्जी नॉर्म्स भी इसमें यूज किए गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है काफी हद तक कम हो जाती है। इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री कंडेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो 44,500 के आसपास जो है मार्केट में ये वीसी कूलर अवेलेबल है 500 लीटर्स में। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे लिस्ट में है हायर का HVC 340 GHC वर्टिकल वीसी कूलर। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो एक्सेलेंट डिजाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा, साथ में ही लाइटेड कैनोपी भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस वीसी कूलर में आपको पावर सेविंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ में ही इंटीरियर लाइट इसमें दी गई हुई है, जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे से जो है डिस्प्ले हो जाए। इसमें आपको वेंटिलेटेड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया हुआ है, जिससे एयर कूलिंग
जो है वो काफी अच्छी होती है। इसमें भी आपको एडजस्टेबल सेल्फ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी इसमें सेट किया गया हुआ है। वीसी कूलर के अंदर जो भी टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्म तरीके से ही काम करेगा। इसमें टफन ग्लास जो है वो ई ग्लास डोर यूज किया गया हुआ है। ये वीसी कूलर जो है मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ग्रोसरी स्टोर्स अगर आपके पास है, मिनी मार्ट है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये एक हैवी ड्यूटी मेटल फैन इसमें आपको देखने को मिल जाता है और फास्ट चिलिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 316 लीटर की कैपेसिटी के साथ ये आपको मिलेगा और जो वोल्टेज यूज करेगा वो 220 वोल्ट जो है इस वीसी कूलर को चाहिए होता है। ये जो है फ्रोस्ट फ्री वीसी कूलर में काउंट किया जाता है। ओवरऑल इस वीसी कूलर की बात करें तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को ये वीसी कूलर फुलफिल करता है और साथ में ही इसकी डिजाइन जो है वो काफी अच्छी है, काफी स्लिक सा वीसी कूलर है। काफी ज्यादा लोग इस वीसी कूलर को यूज करते हैं। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 40,900 के आसपास में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाके इसका मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप हायर के साथ जाना चाहते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं या नहीं है इसकी इन्फॉर्मेशन पहले पता कर लीजिएगा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, कॉन्टैक्ट करके या मेल के थ्रू, तभी आप इस वीसी कूलर को परचेज कीजिएगा। नंबर टू पे हमारे लिस्ट में है रॉकवेल का RVC 390B वर्टिकल वीसी कूलर। ये एक डायनामिक कूलिंग प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो है आपकी, जिससे आपके वीसी कूलर को काफी फास्ट चिलिंग प्रोवाइड हो जाता है। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इंटरनल LED लाइट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से जो है आपके प्रोडक्ट की डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंट ये वीसी कूलर तो है ही है, साथ में ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन मिलने वाला है और ऊपर आपको डिस्प्ले एरिया भी देखने को मिल जाता है जो कि टफन ग्लास के ऊपर ही होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमिकल वीसी कूलर है। इसमें जो कंप्रेसर यूज किया गया हुआ है वो हैवी ड्यूटी कंप्रेसर इसमें यूज किया गया हुआ है और इसका जो सेल्फ है वो भी एडजस्टेबल है। ये एक काफ़ी रोबस्ट वीसी कूलर है, तो अगर आप अपने स्टोर के लिए एक हैवी ड्यूटी वीसी कूलर देख रहे हैं जो कि लॉन्ग रन में आपको यूज करना है और जिसके आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी चाहिए, तो ये सारी क्राइटेरिया को ये वीसी कूलर रॉकवेल का फुलफिल करता है। लेकिन ये सिंगल डोर है, इसमें अलग अलग साइजेज, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जो है आप इस वीसी कूलर के साथ जा सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो +2 degree से लेके +10 degree Celsius तक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। साथ में ही कंपनी जो है 1 year की वारंटी मशीन पे देती है और 3 years की वारंटी जो है कंप्रेसर पे देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये एक आइडियल प्रोडक्ट है सुपरमार्केट के लिए, या फिर अपने घर में अगर आपको यूज करना है तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट के लिए, या स्कूल के कैंटीन वगैरह के लिए, या फिर मिनी मार्ट्स के लिए। अगर इसके करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये 40,000 का अभी मार्केट में अवेलेबल है। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसका करेंट मार्केट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे है रॉकवेल का RVC 580A वर्टिकल वीसी कूलर। ये एक डबल डोर डिस्प्ले वीसी कूलर है। इसमें आपको इंटरनल LED मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। साथ में ही अगर इसका इंटरनल एयर फ्लो की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी यूनिफॉर्म तरीके से एयर फ्लो होता है, उसकी वजह से जो है आपको इसमें काफ़ी जल्दी जो है चिलिंग प्रोवाइड हो जाती है। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी क्लासी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हैवी ड्यूटी
परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। अगर इसकी ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो 420 लीटर की इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की, और टेम्परेचर रेंज की अगर बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपको एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यूजेज की अगर बात करें तो ये सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, मिनी मार्ट, या फिर आपका अगर मीट स्टोर है या फिर वेजिटेबल स्टोर है या फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट का स्टोर है, तो उन सब के लिए ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट में से एक है। ओवरऑल अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो 1 ईयर की वारंटी कंपनी मशीन पे प्रोवाइड करती है और 3 ईयर्स की वारंटी कंपनी कंप्रेसर पे प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसमें आपको एक बड़ा सा जो है डिस्प्ले बोर्ड भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। साथ में ही आपको नीचे एक इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, साथ में ही नीचे आपको अच्छी वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है और इसमें कैस्ट्रोल व्हील भी हैवी ड्यूटी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस पूरे के पूरे वीसी कूलर को बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अगर इसके मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 80,000 का मार्केट में अभी अवेलेबल है। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके करेंट मार्केट प्राइस भी इसका चेक कर सकते हैं। अगर आप एक डबल डोर वीसी कूलर देख रहे हैं और एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट डबल डोर वीसी कूलर में से एक है। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में ही कमेंट में पिन भी कर दिया गया हुआ है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।